नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 17 सितंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। भाजपा ने राजस्थान की 48 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम लगभग तय कर दिए हैं। प्रदेश इकाई से सुझाए नामों पर शीर्ष नेतृत्व ने गहन मंथन के बाद इन सीटों के उम्मीदवारों के नामों पर सहमति दी है। सूत्रों का कहना है कि अगले सप्ताह केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद अंतिम रूप से उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 सितंबर को जयपुर में परिवर्तन यात्रा समापन रैली के बाद पहली सूची जारी होने की संभावना है। सबसे पहले पार्टी लगातार 3 चुनावों से हारी हुई डी वर्ग की सीटों के उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। पार्टी का मानना है कि इससे कमजोर सीट पर प्रत्याशी को पूरे क्षेत्र में चुनाव प्रचार का अधिक मौका मिल सकेगा। पार्टी ने राजस्थान की 200 सीटों को 4 वर्ग में बांटे हैं। प्रदेश यूनिट और शीर्ष नेतृत्व के बीच फिलहाल ए और डी वर्ग की सीटों के नामों पर ही चर्चा हुई है। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। प्राइमरी और अपर प्राइमरी सरकारी स्कूलों में जूनियर टीचर्स के पदों पर बंपर वैकेंसी निकली है, जिसके तहत 20,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसमें शामिल होने के लिए उम्मीदवार ओडिशा स्कूल शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण की ऑफिशियल वेबसाइट osepa.odisha.gov.in पर जाकर 10 अक्टूबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक पदों के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को 50% नंबरों के साथ 12वीं पास होना चाहिए। ओडिशा शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रथम भी पास होनी चाहिए। कक्षा 6 से 8 तक शिक्षक पद के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटर्न टेस्ट की परफॉर्मेंस के आधार पर किया जाएगा, फिर मेरिट के आधार पर फाइनल पोस्टिंग दी जाएगी। हरियाणा के कैथल में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गायब युवक की खोजबीन में लगी पुलिस के सामने आया कि गांव में एक लड़की की हत्या कर दी। युवती का लापता हुए युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। सुरक्षा एजेंट की शिकायत पर पुलिस ने लड़की के माता पिता व अन्य के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस आगे की जांच में जुटी है। लड़की से प्रेम करने वाला युवक भी फिलहाल लापता है। जानकारी के अनुसार कोलायत के नजदीक गांव की एक नाबालिग लड़की और हिसार के एक गांव के युवक के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। कई दिन युवक अपने गांव से लड़की से मिलने के लिए कोलायत के गांव में पहुंच गया। लड़की की हत्या कर दी गई, युवक लापता है। कोलायत थाना पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव क्षेत्र तीव्र होकर वेल मार्क लो प्रेशर सिस्टम में बदल गया है। इसके चलते प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। झालावाड़ व बांसवाड़ा में बरसात कुछ अधिक तेज हुई। झालावाड़ जिले के पगारिया क्षेत्र में 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बरसात से क्यासरी नदी में पानी की आवक होने से नदी पर बना गागरीन बांध ओवरफ्लो हो गया और बांध पर 5 सेंटीमीटर की चादर चली। मूसलाधार बरसात से बांध में पानी की और आवक हुई। सबसे ज्यादा बारिश झालरा पाटन में 27 mm दर्ज की गई। वही बांसवाड़ा में दिन भर उमस के बाद शाम होते होते आसमान में घने बादल छा गए। मेघ गर्जन के साथ 45 मिनट तक तेज बारिश हुई। मूसलाधार बारिश से शहर के निचले इलाकों में सड़कों पर आधा फीट तक पानी बहा। कोटा बूंदी सहित प्रदेश के कई जिलों में भी अच्छी बरसात हुई, जिससे मौसम में ठंडक घुल गई। जोधपुर जिले में बेटे की शादी के 1.5 महीने बाद ही लुटेरी दुल्हन गहने और रुपए लेकर फरार हो गई। इसको लेकर इस्तगासे के जरिए रातानाड़ा थाने में शादी के नाम पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। रिपोर्ट में गणेश होटल बनाड रोड निवासी पीड़ित ने बताया कि उसके बेटे विकास की शादी नहीं हो रही थी। उसे डिगाड़ी निवासी भंवरलाल मिला। उसने दिसंबर 2022 में पाली जिले में अपने रिश्तेदार की लड़की पूनम के परिवार से मिलवाया और शादी के खर्च के लिए 4 लाख रुपए मांगे। इसके बाद 2 लाख सगाई के जरिए और 2 लाख लगन के समय दिए। 12 फरवरी को पूनम निवासी गुड़िया पीपलिया से उसके बेटे की सगाई हुई। सगाई के बाद 13 अप्रैल को 8.5 तोला सोना 600 ग्राम चांदी के आभूषण बना कर दिए। 22 अप्रैल को शादी हो गई और पूनम उनके घर आ गई। 2 जून 2023 को पूनम 2.5 लाख रुपए सोने चांदी के आभूषण और कीमती कपड़े लेकर भाग गई।
विधानसभा चुनावों के नजदीक आने के साथ ही नेताओं के भाषणों की तलखी बढ़ती जा रही है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को अहंकारी रावण बताया है। गोविंद सिंह डोटासरा के निर्वाचन क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की सभा में राठौड़ ने डोटासरा पर चुन चुनकर तलख कमेंट किए। इन बयानों के बाद अब वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। राठौड़ ने गहलोत पायलट मुद्दे पर भी कांग्रेस को निशाने पर लिया। राजेंद्र राठौड़ ने कहा, लक्ष्मणगढ़ में अहंकारी रावण के रूप में गोविंद डोटासरा को कई प्रकार की चुनौती देते हैं। मैं उन्हीं को कह करके जाता हूं कि गोविंद जी, आप कभी मुझे ललकारते हैं, आप कभी किसी को ललकारते हैं। इस विराट सभा का वीडियो देख लेना, आप किस बिल में घुसोगे, आपको बिल भी नहीं मिलेगा, आपकी विदाई तय है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में चोर इन दिनों बेखौफ हो चले हैं। घरों में आए दिन हो रही चोरी की वारदातों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई की दुकान में भी चोरों ने सेंध लगा दी। घटना उद्यमुंदर पुलिस थाना क्षेत्र के पावटा चौराहे की है। यहां पर बनी अनुपम कृषि की दुकान पर चोरों ने शटर मोड़कर चोरी का प्रयास किया। हालांकि दुकान के अंदर एक और गेट लगा होने की वजह से चोर अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सके। यह दुकान सीएम के भाई की है। सूचना पर रोडवेज चौकी के एएसआई मौके पर पहुंचा, बाद में थाने से भी पुलिस आई। उद्यम मंदिर थाना अधिकारी प्रेमदान रतन ने बताया कि चोरों ने मेन गेट का शटर मोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की। चोरी का प्रयास करने वालों की तलाश की जा रही है। बीकानेर जिले में एडमिशन के नाम पर छात्राओं से रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। इस संबंध में रतनगढ़ हाल पटेल नगर निवासी ज्योति ने व्यास कॉलोनी पुलिस थाने में राकेश गुप्ता व मनोहर सिंह भाटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। परिवादिया का आरोप है कि उसका व उसके साथ 25 से 30 लड़कियों का गवर्नमेंट कॉलेज में ANM में एडमिशन नहीं होने पर आरोपियों ने राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस महिला ITI के सामने सरदार पटेल नगर में एडमिशन देने का कहकर उनसे धोखाधड़ी पूर्वक रुपए हड़प लिए तथा कुछ दिन क्लासें लगाने के बाद ताला लगा दिया। वह पिछले 2 महीने से पढ़ाई बंद है। आरोप है कि जब लड़कियां फोन करती हैं तो फोन पर गालियां देते हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने अचानक से 18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र आहूत किया है, जो 5 दिन यानी 22 सितंबर तक चलेगा। 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों व आम चुनावों की तैयारियों के बीच ये सत्र बुलाना बड़े राजनीतिक निर्णयों का संकेत माना जा रहा है। विपक्ष भी इस सत्र को लेकर कई तरह के कयास लगा रहा है। विपक्ष के कयासों का आधार भी है, क्योंकि अचानक से केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन की बात कह चकित कर दिया। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति भी बना दी। उसने भी तुरंत मध्यावधि चुनाव होने की आशंका जता दी। फिर सरकार ने चुनाव आयोग के बदलाव को लेकर मंशा जताई और उसके लिए भी समिति PM को अगुवाई में बना दी। इतना ही नहीं, महिला आरक्षण विधेयक को लेकर भी चर्चा चला दी। इन सब आकस्मिक राजनीतिक बातों से सब अचंभे में हैं और कयास लगा रहे हैं कि संसद का विशेष सत्र कई नए निर्णय लाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट में राज्य सरकार द्वारा सत्र 2023-24 में छात्र संघ चुनाव नहीं करवाने पर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश अगस्टिन जॉर्ज मसीह व न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ के समक्ष वत्सल परिहार की ओर से जनहित याचिका पेश की गई थी। याचिका में बताया गया कि 12 अगस्त 2023 को राज्य सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों में सत्र 2023-24 में छात्र संघ चुनाव नहीं करवाने का आदेश जारी कर दिया, जो कि मनमाना है। याचिका में बताया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा छात्र संघ के नाम पर शुल्क भी लिया जाता है, जबकि छात्र संघ चुनाव तो करवाए नहीं जाते हैं। याचिका में अंतरिम आदेश पारित करने की भी मांग की गई। कोर्ट ने दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अंतरिम आदेश पारित नहीं किया। कोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता व्यास को जवाब के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है।